शारदीय नवरात्रि 2024 अष्टमी और नवमी की तिथियों का सही समय और कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त। नवरात्रि के पावन पर्व पर मां दुर्गा की आराधना के लिए हर साल श्रद्धालुओं का एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। इस 9 दिनों के पर्व में देवी मां के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है और अष्टमी और नवमी तिथियों का विशेष महत्व होता है। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर गुरुवार से हुई है, जो 11 अक्टूबर शुक्रवार को समाप्त होगी। वहीं देवी प्रतिमा का विसर्जन 12 अक्टूबर को किया जाएगा। हालांकि इस वर्ष तिथियों में मामूली फेरबदल की वजह से कई भक्तों में अष्टमी और नवमी को लेकर थोड़ी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। इस लेख में हम जानेंगे कि इस वर्ष अष्टमी और नवमी तिथि कब पड़ रही है और किस दिन कन्या पूजन करना शुभ होगा। अष्टमी और नवमी तिथियों का समय। इस वर्ष अष्टमी तिथि का आरंभ 10 अक्टूबर गुरुवार को दोपहर 12:03 बजे से होगा और यह 11 अक्टूबर शुक्रवार को दोपहर 12:07 बजे समाप्त होगी। वहीं नवमी तिथि की शुरुआत 11 अक्टूबर शुक्रवार को दोपहर 12:08 बजे से होगी और इसका समापन 12 अक्टूबर शनिवार को सुबह 10:05 बजे होगा। कन्या पूजन का सही समय। जो लोग अष्टमी तिथि को कन्या पूजन करना चाहते हैं, वे 10 अक्टूबर को सुबह 6:02 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक कन्या पूजन कर सकते हैं। हालांकि अष्टमी तिथि आधिकारिक रूप से दोपहर 12:03 बजे से शुरू होगी, लेकिन जो भक्त सुबह कन्या पूजन करना चाहते हैं, वे इस समय तक पूजा कर सकते हैं। वहीं जो लोग नवमी तिथि को कन्या पूजन करना चाहते हैं, वे 11 अक्टूबर को सुबह 6:26 बजे से दोपहर 12:30 बजे के बीच में कन्या पूजन कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप 11 अक्टूबर को दोनों तिथियों अष्टमी और नवमी का एक साथ कन्या पूजन करना चाहते हैं, तो दोपहर 12:07 बजे तक अष्टमी तिथि रहेगी। इस दौरान आप पूजा कर सकते हैं। कन्या पूजन का महत्व। शारदीय नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यता है कि छोटी कन्याओं का पूजन करने से मां दुर्गा प्रसन्न होती हैं और उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार 2 से 10 वर्ष की कन्याओं का पूजन करने से मां के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। 2 वर्ष की कन्या को कुमारिका कहा जाता है, जिसके पूजन से धन और आयु की वृद्धि होती है। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति कहलाती है, इसके पूजन से सुख समृद्धि का आगमन होता है। 4 वर्ष की कन्या कल्याणी मानी जाती है, जिसके पूजन से विवाह आदि शुभ कार्य पूरे होते हैं। 5 वर्ष की कन्या रोहिणी कहलाती है, जिसके पूजन से स्वास्थ्य लाभ मिलता है। 6 वर्ष की कन्या कालिका मानी जाती है, इससे शत्रुओं का नाश होता है। 7 वर्ष की कन्या चंडिका कहलाती है, जिसके पूजन से कष्टों से मुक्ति मिलती है। 8 वर्ष की कन्या शांभवी कहलाती है, जिसके पूजन से दुख और दरिद्रता का नाश होता है। 9 वर्ष की कन्या दुर्गा कहलाती है, जिसके पूजन से कठिन कार्यों की सिद्धि होती है। 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा मानी जाती है, इसके पूजन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कन्या पूजन की पूजा विधि। कन्या पूजन करने के लिए कन्याओं को पूरी, चना, हलवा और नारियल का भोग लगाया जाता है। इसके बाद उन्हें यथासंभव भेंट दी जाती है। कन्याओं के चरण छूकर आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है और उनके हाथों से अक्षत के कुछ दाने अपने घर में छिड़काए जाते हैं, जिससे घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। अष्टमी और नवमी के दिन हवन। नवरात्रि के उपवासों का समापन हवन के साथ करना चाहिए। जिस दिन कन्या पूजन किया जाए, उस दिन हवन अवश्य करें। हवन करने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। हवन से घर का वातावरण शुद्ध होता है और देवी मां की विशेष कृपा मिलती है। कलश विसर्जन का समय। कलश विसर्जन 12 अक्टूबर शनिवार को सुबह 10:05 बजे से शाम 5 बजे के बीच करना शुभ रहेगा। हालांकि जो लोग दशमी तिथि को मां दुर्गा की विदाई करना चाहते हैं, वे सूर्यास्त से पहले भी विसर्जन कर सकते हैं। यदि इस नवरात्रि आप भी मां भगवती की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो कन्या पूजन और हवन विधिपूर्वक करें। मां दुर्गा की पूजा से घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है।